बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एयर फ्राइड चिकन विंग्स। नहायत आसान और मिनटों में तैयार करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आप से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आप जब सब्सक्राइब करते हैं हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है, और ये आपका प्यार है जो हमें यहाँ तक लेके आए। अब एक जार ले लिया, उसमें आधा कप मैदा, एक खाने का चम्मच कॉर्न स्टार्च, एक चाय का चम्मच लाल मिर्च, दो चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच अदरक पाउडर, एक चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, एक चाय का चम्मच ओरिगैनो पाउडर, एक चाय का चम्मच थाइम पाउडर, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, एक चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, एक चाय का चम्मच गरम मसाला और दो चाय के चम्मच चाट मसाला, एक चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, दो चाय के चम्मच दही का पाउडर और एक चाय का चम्मच प्याज का पाउडर डालकर इसको हम ढककर बंद कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। आपस में मिक्स करके ये मसाले को लाएंगे ताकि ये जो मिक्सचर है मैदे का, ये बिल्कुल यकसा मिक्स हो जाए। अब हम चिकन विंग्स ले लेते हैं और चिकन विंग्स को ट्रे में डालकर इसके ऊपर इसे छिड़क दिए। छिड़क कर इसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। ये आप कम से कम 6 से 8 चम्मच इसके ऊपर छिड़क दें। दोनों तरफ आपने लगाना है, पहले एक साइड लगा लें फिर दूसरी तरफ लगा कर, और इसे अच्छी तरह मसल के हमने ये अब इसकी दूसरी साइड भी हम लगा लेंगे, और इसे हमने 30 मिनट तक फ्रिज में रखना है। तो वैसे आपसे गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बड़ा हौसला मिलता है, और आपकी सब्सक्रिप्शन है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक खाने का चम्मच इस पर तेल छिड़क दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप अभी तेल ना डालें तो जब एयर फ्राई कर रहे हों उस वक्त ऑयल थोड़ा सा ऑयलिंग कर सकते हैं ब्रश के साथ। अब इसको हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो इधर हमने अपना ये एयर फ्रायर है इसको तैयार कर लिया है, और इसमें तरतीब से इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के लिए सेट कर देंगे। ये तरतीब से हमने इसके ऊपर रख दिए हैं, ऊपर नीचे ना हो, और इसको अब 20 मिनट तक पहले रखेंगे 20 मिनट इसको, और 20 मिनट के बाद इनको हम 20 मिनट जब आप रखें तो 10 मिनट के बाद इनको आप पलटा लें। पलटाने के बाद आपने इनको ये दूसरी साइड भी इनकी 10 मिनट एक साइड और 10 मिनट दूसरी साइड, ये दोनों साइड को जो है फ्राई करना है। इस तरीके से आप ये पलटा लें 10-10 मिनट के लिए। तो टोटल ये 20 मिनट होंगे। ये 14 हमने लिए थे जिसमें से 7 हमने अभी रखे हैं, 7 बाद में करेंगे। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं। देखें माशाल्लाह से क्या रंग आया है, कैसे क्रिस्पी बने, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है आप सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। यकीन करें आप हमें पता अभी भी देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी किया करें और कमेंट्स भी दिया करें। अब ये दूसरी लॉट हमने रख दी है 7 पीसेस, अब ये भी उसी तरीके से हमने कर लेने हैं। और ये हमारे विंग्स तैयार हो गए हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, फ्राइड ब्राउन राइस के साथ गर्मा गर्म पेश करें, और या चाय के साथ भी आप शाम को खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। ज़िंदगी और तंदुरुस्ती रही तो इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना, अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, इर्द गिर्द के लोगों का, सबका ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आने वाला वक्त सबके लिए खैर का हो, और आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।